हमने 40 साल में कोई ऐसी घोषणा नहीं करी। घोषणा करने वाले तो आए थे, कुछ दिन पहले शिवराज सिंह जी आए थे, 15 साल घोषणाएं करते रहे, 15 साल कलाकारी करते रहे। छिंदवाड़ा आए, कहते हैं मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, मैंने शुरुआत करी। शिवराज सिंह जी कितना झूठ बोलेंगे, मुंह तो बहुत चलता है आपका, पर मुंह चलता है झूठ बोलने में। आप छिंदवाड़ा की जनता को मत सोचिए कि वो समझदार नहीं है, छिंदवाड़ा के लोगों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। शिवराज जी जब ये मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई तो उस समय मैं केंद्र के मंत्रिमंडल का सदस्य था। कांग्रेस की सरकार ने मार्च के महीने में, मार्च 2014 में इसकी स्वीकृति दी थी। आपने तो कोशिश करी थी कि ये ना खुले, शिवराज जी आपने कोशिश करी थी कि ये दूसरे जिले में चला जाए। 3 साल 4 साल आपने इसमें काम शुरू नहीं होने दिया और आप कहते हैं ये मैं लाया, कहते हैं माचा गोरा मैं लाया, माचा गोरा की जो सिंचाई का हमारा बांध है। शिवराज जी ने तो माचा गोरा का नाम भी नहीं सुना होगा, उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा जब दिग्विजय सिंह और मैंने इसका शिलान्यास किया था। उस समय इसकी शुरुआत हुई और शिवराज जी आके कह गए कि मैंने माचा गोरा शुरू किया। तो आज बच्चों मैं आपको परिचय देना चाहता हूं इनका, कि किस प्रकार ये अपने कलाकारी से गुमराह करने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। 15 साल में 13,000 घोषणाएं करी, 13,000 घोषणाएं करी। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज जी, ये इन घोषणाओं का आप हिसाब किताब तो दे दीजिए जनता को। इसीलिए तो जनता ने आपको बेरोजगार आज बिठाया है, बेरोजगार बनाया है, और तैयार रहिए, बहुत समय आप बेरोजगार रहने वाले हैं। कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है, मध्य प्रदेश की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। मोदी जी के बारे में क्या कहें, आप सब मोदी जी को सुनते हैं ना, कभी नौजवानों की बात करते हुए सुना बताइए, क्या नौजवानों की बात करते हुए सुना, क्या किसानों की बात करते हुए सुना? यही मोदी जी जो कहते थे हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मैं कृषि क्षेत्र को फायदे का नफा का काम बनाऊंगा। आज इनकी बात नहीं करते, आज मोदी जी तो किस चीज की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान का भैंस दिखाएंगे। मोदी जी, इंदिरा गांधी जी ने तो 90,000 पाकिस्तानी जवानों को कैद और सरेंडर करवाया था और आप इसकी बात नहीं करेंगे। ये कलाकारी बहुत हो गई। मोदी जी आज किसानों की बात नहीं करेंगे, मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, कहेंगे हम राष्ट्रवाद हैं और जो मेरा विरोध करता है वो देशद्रोही है। देशद्रोही कौन है ये जनता तय करेगी। मोदी जी, क्या आपके पार्टी में एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा हुआ? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा। और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे, ये कलाकारी की राजनीति। अब तो मुझे ये छिंदवाड़ा के लोगों को नहीं कहना, छिंदवाड़ा के लोगों ने तो 40 साल से सच्चाई का साथ दिया है। और बच्चों, जो आपके परिवार ने मुझे बल और शक्ति दी, इतने साल आपने मुझे बल और शक्ति दी, आपने वोट मुझे नहीं दिया, आपने अपना प्यार और विश्वास मुझे दिया है, और यही प्यार और विश्वास मेरी शक्ति रही है। और इसी शक्ति से आज छिंदवाड़ा की नई पहचान है, आगे भी छिंदवाड़ा की नई पहचान बनती रहेगी। जो हमारी योजनाएं हैं, हमारा कृषि विश्वविद्यालय हुए, हमारा हॉर्टिकल्चरल कॉलेज हुए और हमारे प्रशिक्षण केंद्र हुए, इसकी गति केवल बढ़ेगी। हमारा आज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, हमारा एक ऐसा अस्पताल यहां बनने जा रहा है जहां लोगों को नागपुर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, नागपुर वालों को छिंदवाड़ा आना पड़ेगा इलाज के लिए।
ऐसा अस्पताल बन रहा है यहाँ, ये केवल घोषणा नहीं है, ये अगले 2-2.5 साल में बन जाएगा, इसका काम चल रहा है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में हमारा प्रयास है कि हम विकास का एक नया इतिहास बनाएं, हमारा प्रयास है कि हम कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाएं। 70% लोग अपने प्रदेश के कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, आज ये बच्चे जो आए हैं ये सब कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं, और जब तक कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों के हाथ में क्रय शक्ति नहीं हुई, खरीदने की ताकत नहीं हुई, तब तक इन बच्चों की अच्छी पढ़ाई या अच्छे कपड़े संभव नहीं है। हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, यही हमारा प्रयास है, और मुझे विश्वास है कि जो जनता ने हम पर भरोसा किया है, हम इस भरोसे पर खड़े उतरेंगे। हमने जो अपने वचन पत्र में कहा है, 5 साल के लिए हमने वचन पत्र बनाया है, इसकी शुरुआत तो कर दी। आज बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट मिलती है, सही बात है, मिलती है। आज हमने किसान का कर्जा माफ करना शुरू किया है, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है आज तक। हमने जो वचन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का हम फसल ऋण माफ करेंगे, ये हम माफ करेंगे। दित्ता चिल्लाते रहे, दित्ता आलोचना करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंत में सच्चाई तो सच्चाई है। अगर यहां से रेल चलती है दिल्ली के लिए, अगर यहां हमारी सड़कें हैं, अगर यहां हमारे स्किल सेंटर है, ये सच्चाई है, घोषणा नहीं है, और यही हमारे आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी शक्ति बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके परिवार ने जो मेरे जवानी में मुझे विश्वास रखा था, जो प्यार और विश्वास दिया था, आपका भी प्यार और विश्वास मुझ पर बना रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे प्यार, अपनेपन और स्नेह के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कमलनाथ जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम निवेदन करते हैं माननीय कमलनाथ जी से।